यूपी के मुख्य सचिव ने 26 जिलों के डीएम को नोटिस भेजा है। तो पराली जलाने पर यूपी के 26 जिलों के डीएम को नोटिस भेजा गया है, जहां पर पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और पराली जलाने की घटनाओं पर अब जवाब तलब किया गया है। तो 16 नवंबर को भी 14 जिलों के डीएम को नोटिस जारी किए गए थे। पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हुई है पराली जलाने की जिस तरह की घटनाएं, उस पर एक्शन यहां पर अब योगी सरकार का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी डीएम को 5 सितंबर को जवाब देने को कहा गया है, 5 दिसंबर को ये जवाब देने को यहां पर कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो जिस तरह से पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो उस पर सभी जिलों के डीएम को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि इस पर जल्द से जल्द जवाब तलब किया जाए। और इसको लेकर नाराजगी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी, तो उससे पहले भी हालांकि यहां पर आदेश दिए गए थे, लेकिन अब 16 नवंबर को भी जिस तरह से 14 जिलों के डीएम को यहां पर आदेश दिए गए थे, उसके बावजूद भी नतीजा कुछ मिला नहीं। लेकिन अब एक बार फिर से योगी सरकार यहां पर सख्त होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर पराली जलाने की घटनाओं पर जवाब तलब किया गया है। तो सभी डीएम को 5 दिसंबर को जवाब देने को यहां पर कहा गया है। तो बड़ी खबर बता दें, यूपी से मिल रही है, तरह की घटनाएं पिछले साल की तुलना में ज्यादा बढ़ी है, उसके बाद जहां सुप्रीम कोर्ट अलर्ट हो गया है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया गया कि आखिरकार तैयारियां यहां पर क्या की जा रही हैं। आपको बता दें, सिर्फ अकेले यूपी को नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को भी यहां पर शामिल किया गया था और पूछा गया था कि आखिरकार कार्रवाई यहां पर की क्या क्या की जा रही है।